हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बन रहा है यहाँ लौकी गोश्त। तो ये कि मानो इतना टेस्टी बनाता है ये, मतलब खाते हुए सब कह रहे थे वाह यार क्या बनाया है, मतलब इतना बढ़िया बनाया है। थोड़ा स्पाइसी बनाया था, बहुत अच्छा लगता है मुझे थोड़ा चटपटा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुझे पसंद है वैसा ही बना था और सबको भी बेहद पसंद आया। अगर आपको पसंद है इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और आपको पसंद आएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आ जाए उसको लाइक करना नहीं भूलना। खाओ पियो ऐश करो यार, जिंदगी में और रखा ही क्या है। कहते हैं ना जिंदगी एक पानी की बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब टूट फूट जाए। तो इसलिए खाएं अच्छे से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सुबह शाम 30-30 मिनट जरूर टहलें और अपने लिए, अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें। फिजिकल एक्सरसाइज थोड़े टाइम के लिए जरूर करिएगा और साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया और यहाँ 250 ग्राम गोश्त है तो उसी के हिसाब से दो छोटी प्याज ली है वो ऑयल में डाल दी। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तब इसमें ऐड कर देना है गोश्त। गोश्त को भी तल लेना है और करना ये है 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर चला चला कर इसको तलना है। अच्छा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको लौकी गोश्त पसंद है या नहीं, या गोश्त में कोई भी सब्जी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो वो कौन सी सब्जी है जो गोश्त में आपको अच्छी लगती है डली हुई, तो वो भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलना। तो फिर करना ये 3 मिनट तक तकरीबन इसको अच्छे से तल लेना है हाई फ्लेम पर। बाद में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। तो यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत थोड़ा सा था तो मैंने सोचा क्या पीसूँ, देखा नहीं ध्यान नहीं दिया कि खत्म हो गया। तो फटाफट से क्या किया, 4-5 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक इसको छोटा छोटा काट लिया और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। सब कुछ इसमें ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, एक विसल लगा लेनी है और बस उसके बाद इसको मसाले को ना बहुत अच्छे से भून लेना है। और इस बात का ख्याल रखिए लहसुन अदरक यहाँ पेस्ट नहीं था उसका, तब हमने यहाँ साबुत काट कर डाल दिया। मसाले को अच्छे से भून लेना है, जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम यहाँ लौकी ऐड कर देंगे और लौकी के साथ हरी मिर्च। तो क्या करना है, लौकी डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। पता है पहले हाई फ्लेम पर इसको कुक कर ले, देखिए लौकी कितना पानी छोड़ रही है। अगर ज्यादा छोड़ रही है तब इसको पहले आप खुश कर लीजिए पानी को और बाद में एक विसल लगा लें। अगर लग रहा है कि पानी कम है तो एक विसल लगा लें, उसके बाद लौकी गोश्त को भून लीजिएगा। तो यहाँ लौकी ने भाई इतना पानी छोड़ा था, यकीन माने एक भी इसने विसल नहीं लगाई, सिर्फ इसको भूना जा रहा है ऐसे ही हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ मैं। देखिए लौकी एकदम घुट सी गई है, मतलब इसको ना थोड़ा थोड़ा तोड़ना भी है। अगर आपकी लौकी नहीं टूटी है, सलामत है और गल गई है, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से तोड़ लीजिएगा। और बाद में करना ये है, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। और सच में जब गर्म मसाला पड़ता है उसके बाद जो खुशबू आती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाद में करना क्या है, जब ऑयल सेपरेट दिखने लगे इसको भून ले अच्छे से, बाद में इसे गार्निश कर देगा फ्रेश कटे हरा धनिया से। बस लौकी गोश्त बनकर तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना नहीं भूलेंगे, कॉमेंट में भी बताएंगे। और चैनल पर अगर नए हैं ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।